नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.3.2.5.2 के बारे में। रिसेंटली गूगल कैमरा 8.3 का जो BSG वाला डेवलपर की तरफ से जो बिल्ड है अवेलेबल हो चुका है। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो GCam 8.3 है एंड इसका जो पैकेज है वो भी आप देख सकते हो। मेरे पास जो रेबनोट 7 है उसके अंदर हमने इस गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है, बट इसे आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो जिस भी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर कैमरा ट्यूब पैक के अंदर लेवल 3 और फुल का सपोर्ट होगा। तो सिंपली कैमरा यूजर इंटरफेस कैसा है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है, सब कुछ आपको मालूम चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको दो जो स्लाइडिंग ऑप्शन है देखने को मिलता है, एंड एक्सपोजर के लिए एक है एंड दूसरा भी दोस्तों आई गेस किसके लिए है आई डोंट नो, बट दो आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन है ना। आप पूछ सकते हो वैसे दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ये दोनों जो है दोस्तों पिक्सल 6 एंड 6 प्रो के लिए है। यहाँ पर मैंने पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करके रखा है मॉडल के अंदर, इसलिए दोनों जो है काम नहीं कर रहे। हमें दोस्तों और कोई जो पिक्सल डिवाइस है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 8.3 है, तो आपको जो एंड्रॉइड 12 का थीम इंजिन है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाती है। मतलब आप सिस्टम के अंदर जो कलर यूज करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे देख पा रहे हो अभी फिलहाल ए वाला कलर है, तो हम इस वॉलपेपर को चेंज करके दूसरा कोई वॉलपेपर को डालेंगे। बट अभी फिलहाल देखो जो गूगल कैमरा है, गूगल कैमरा के अंदर जो कलर है ए वाला कलर है, ठीक है। तो सिंपली इस कलर को चेंज कर लेते हैं वॉलपेपर के अंदर। तो यहाँ से चलते हैं वॉलपेपर, देन बिल्ड इन वॉलपेपर एंड सिंपली ए वाला जो वॉलपेपर है इसे हम डाल लेते हैं। एंड अभी फिलहाल मैं डॉट वेस की यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी देखो जो गूगल कैमरा के अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, एंड थोड़ा सा टाइम लगता है वैसे इसे होने में। सिंपली यहाँ पर जो अपना गूगल कैमरा है उसे हमें रीस्टार्ट करना होगा। ओके, अभी देखो जो सेटिंग्स में है उसके अंदर ग्रीन कलर आ चुका है। तो इस तरह से एंड्रॉइड 12 का जो थीम इंजन है वो काम कर रहा है यहाँ पर डॉट ओएस के साथ, इसलिए काफी बढ़िया है। तो आप जो भी वॉलपेपर यूज करोगे उस वॉलपेपर के अंदर जो कलर है उसे पिकअप करके आपके सेटिंग्स मेनू के अंदर गूगल कैमरे के सेटिंग्स मेनू के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया है ना। दोस्तों बात कर लेते क्या क्या फीचर सबको देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर। फीचर की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर ऑटो नाइट सेलेक्ट फीचर देने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो HDR एनहांस मोड है वो भी देने को मिल जाएगा। आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर HDR एनहांस मोड को भी यूज़ कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो फोटो रेगुलेशन है कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर क्रैश कर जा रहा है उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड अब अगर जो बग था OIS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो नाइट लाइट फीचर है उसका ऑप्शन देने को मिल जाएगा। यहाँ पर नाइट साइड फीचर्स जो है वो भी देने को मिल जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, जो गूगल कैमरा है ओपन होने में मतलब जो ऑप्शन है उसे स्विच करने में टाइम लगाता है, बट काम कर जाता है। यहाँ पर देख सकते हो नाइट स्लाइट फीचर के अंदर एस्ट्रो फोटोग्राफी जो मोड है वो भी देखने को मिल जाती है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन देने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो EI से काफी बढ़िया है, काफी स्पीड देने को मिलता है आपको। यहाँ पर फुल HD एज वेल आपको जो 4K का ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है। अगेन जैसे मैं आपको बोला कैमरा स्विच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसका जो EIS है भाई काफी खतरनाक है। देख सकते हो काफी स्मूथ आपको जो है EIS देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाता है। इसका जो EIS है एंड जो ओवरऑल जो स्टेबलेशन है मेरे को काफ़ी शानदार लगा है। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो जाता है बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको जो है मोड्स के अंदर पैरानोमा एंड फोटो एक्सपर्ट का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाती है। या से आप 1x एंड 2x के अंदर स्विच कर सकते हो, देख सकते हो 1x 2x के अंदर स्विच करने में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं मॉडल्स की, आप मॉडल्स को कहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको इंटरफेस का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, या से आप जो मॉडल्स एंड इंटरफेस है उसे चेंज कर सकते हो। हम सिंपली यहाँ पर पिक्सल टू एक्सल कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो गूगल कैमरा है उसे आपको रीस्टार्ट करना होगा। अभी देखो जो आपका कैमरा है थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर काम करेगा। एंड अभी फिलहाल जो वीडियो के अंदर हमने जो 1x उसे कर दिया है, एंड अगेन यहाँ पर हमारा जो 1x 2x है काम करना स्टार्ट कर दिया है। पिक्सल 6 प्रो के साथ काम नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो अब अलग अलग जो मॉडल्स है उसे भी आप चेंज कर पाओगे, इंटरफेस को भी चेंज कर पाओगे। नाउ अगर आप मॉडल्स को चेंज करोगे तो फीचर्स भी आपका चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना होगा। तो यहाँ पर आपको व्यू फाइंडर जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद रॉ फॉर्मेट फॉर HDR प्लस का ऑप्शन देने को मिलेगा। ब्लैक लेवल का ऑप्शन है, सेफ लोकेशन, कैमरा साउंड, गूगल लेंस सजेशन, उसके बाद सोशल शेयर की ऑप्शन देने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप 3 एप्लीकेशंस के अंदर अपने फोटो को डायरेक्टली शेयर कर पाओगे गूगल कैमरा से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर लगी है।
एंड यहाँ पर आपको देने को मिलता है गेस्चर्स का सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम की एक्शन, डबल टैप टू एक्शन का ऑप्शन देने को मिलेगा। डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है, कितना मिनट का वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, कितना फोटोज को क्लिक कर पाओगे वो आपको देने को मिलेगा। एडवांस के अंदर HDR कंट्रोल, ऑटो नाइट स्लाइड मोड, रॉ इमेज का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रेम हैंडलिंग का ऑप्शन देने को मिलेगा, ग्रिड टाइप चाहो तो आप डाल सकते हो, सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, एज वेल जो आपको लाइब्रेरीज का ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है। एंड यहाँ से आप जो डेवलपर सेटिंग्स उसे एक्सेस कर सकते हो, डेवलपर सेटिंग्स के अंदर आपको अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो गोल कैमरा है काफी शानदार है, एंड पिक्चर सैंपल देख लेने के बाद आप बताइए आपको कौन सा पिक्चर सैंपल सबसे बढ़िया लगा, एंड ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी आपको कैसा लगा। अगर आप इस गोल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस गोल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वापस जाके ये जो गोल कैमरा 8.3 का बिल्ड है उसे आप ट्राई करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा, कैमरा ट्रे पे एनेबल होना चाहिए, लेवल 3 और फुल का सपोर्ट होना चाहिए तभी दोस्तों काम करेगा, एंड स्नैपड्रैगन की डिवाइस पर तो काम करेगा ही करेगा, एंड होपफुली जो आपका मीडियाटेक एक्सिनोस का डिवाइस है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। आप खुद से ट्राई करके देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप पिक्चर सैंपल देख ही पा रहे हो किस तरह से आपको पिक्चर सैंपल देखने को मिलता है रेडमी नोट 7 के साथ GCam 8.3 का। ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी कैसा है, कलर कैसा है, सैचुरेशन कैसा है, डिटेल कैसा है, HDR कैसा है आप बताइए। सभी जो पिक्चर है हमने HDR मोड को ऑन करके क्लिक किया है फ्रंट एंड बैक दोनों के अंदर। एक चीज तो कहना होगा GCam 8.3 के साथ भी जो गोल कैमरे का एल्गोरिदम है काफी शानदार है, काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा, एंड कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा गोल कैमरे के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक कैमरे के साथ गोल कैमरे को भी यूज करते होंगे डेली लाइफ के अंदर, एंड गोल कैमरा फोटोग्राफी के लिए काफी बढ़िया है, बट डेफिनेटली वीडियो के लिए, वीडियोग्राफी के लिए इतना बढ़िया नहीं है। कुछ कुछ ऑप्शन है जो कि वीडियोग्राफी के लिए भी डेवलपर को और गूगल कैमरा का जो डेवलपर है उसको उसके अंदर ऐड करना चाहिए, जिस तरह से हमें स्टॉक कैमरा के अंदर देखने को मिलता है, बट अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें वीडियोग्राफी के लिए गूगल कैमरे के अंदर देखने को नहीं मिला है। एंड ओवरऑल अगर बात करूँ यहाँ पर वीडियो की, तो वीडियो के अंदर यहाँ पर हमें स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स का जो मोड है देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली जो स्लो मोशन मोड है यहाँ पर काम नहीं करेगा मेरे रेडमी नोट 7 के अंदर, शायद आपके फोन के ऊपर काम कर सकता है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर वीडियो के अंदर से स्लो मोशन मोड काम कर रहा है तो कमेंट करके बोल देना कौन सा रॉम यूज़ कर रहे हो, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ही मेहरबानी होगी। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर टाइमलैप्स मोड की, भाई साहब टाइमलैप्स मोड अभी फिलहाल ओके अभी ट्राई करके देखते हैं। टाइमलैप्स मोड होपफुली यहाँ पर काम कर रहा है, एंड टाइमलैप्स मोड के अंदर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो भी काम कर जा रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम देखा गया है जो टाइमलैप्स मोड है उसके अंदर जो ओके टाइमलैप्स मोड भी क्रैश कर गया है, मतलब टाइमलैप्स मोड ऑन तो हो रहा है बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करते, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड आपको जो कैमरा है थोड़ा सा स्लो देखने को मिल सकता है, स्पेशली एप्लीकेशन मतलब ऑप्शन स्विच करने में, जैसे कि कैमरा से वीडियो के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर स्विच करने में, तो ये दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन के इशू है जो कि बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगा। एक्चुअली ये जो बिल्ड है अभी तक बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है, मतलब काम आप कर सकते हो बट इसके साथ आपको और एक गोल कैमरा ट्राई करना होगा, क्योंकि इस गोल कैमरे के साथ आप 100% रिलाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ टाइम क्रैश हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी इसका जो EIS है, जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है, आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोल देना। एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।